हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के नाम जिनको डेफिनेशन का प्रॉब्लम है और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, ट्विटर पर एक ट्रेंड चला, ट्रेंड था बीबी किंग उमर रियाज। देखिए, किंग का मतलब आई थिंक, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ नहीं आता या परिभाषा डेफिनेशन समझ नहीं आती। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एजुकेशन और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। किंग मतलब होता है राजा, राजा वो होता है, किंग वो होता है जो चीज़ों के लिए स्टैंड ले, ना सिर्फ अपने लिए, अपने लिए तो वो ले ही, ना सिर्फ अपने लिए पर अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी स्टैंड करे। गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोले, सही को सही बोलने की क्षमता रखे। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, वो उनसे ना डर कर वो खड़ा हो। जी हाँ, और जब वो बोले तो सिर्फ वो बोले और बाकी सब मंत्रमुग्ध होकर चुपचाप से सुने। और उसके लिए अपने आप को राजा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंग कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके जो थॉट्स होते हैं, आपका जो व्यू होता है, आपका जो सोचने का नज़रिया होता है, वो आपको राजा बनाता है, वो आपको किंग बनाता है। चंद 4-6-10 लोग उठकर ट्विटर पर अगर ट्रेंड चला दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किंग हो जाता है। तो पहली चीज तो ये कि हैशटैग बीबी किंग उमर रियाज, जिन लोगों ने भी ये ट्रेंड चलाया, सॉरी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। अगर किसी को लगता है कि मैं कहूंगी सॉरी टू से, नहीं जी बिल्कुल सॉरी नहीं, पर आप बिल्कुल गलत हैं। अपने राजा की परिभाषा को, किंग की परिभाषा को जो है बदलिए। दूसरी चीज, एक बात और, बीबी किंग सिद्धार्थ शुक्ला थे, हैं और रहेंगे। जब वो थे तब भी वही थे, आज वो नहीं है तब भी वही है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि राजा वो होता है जिसे खड़े होना आता है, जिसे स्टैंड लेना आता है, ना सिर्फ अपने लिए दूसरों के लिए, जिसे आवाज उठानी आती है और जो एक बार में ये कह जाए, एक सांस में सारा घर एक तरफ, 1, 2, 3, 4, 12, 13 सब के सब भाड़ में जाओ, मैं यहाँ किसी की चाटने नहीं आया हूँ, वो होता है किंग, वो होता है राजा। इस तरह नहीं है कि लोगों की आवाज नहीं निकल रही है 15 में, वो बकरी बराबर मिमिया रहे हैं और उसके बाद आप बकरी को राजा बताओगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये, जो खुश होना चाहते हैं खुश हो सकते हैं, जो दुखी होना चाहते हैं दुखी हो सकते हैं। जी हाँ, उमर रियाज को जल्द घर से बाहर धक्का, लात, और नहीं नहीं मतलब जवान फिसल जाती है यार कभी कभी, निकालने की तैयारी है। जी हाँ, मेकर्स जो है तैयारी कर रहे हैं उमर रियाज को बाहर निकालने की, क्योंकि कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। और जो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली राशन थोड़ी खत्म करवाएंगे यार अपना, मतलब बिग बॉस है, पैसा बहुत है, नोट बहुत है, पर ऐसे थोड़ी फ्री में खिलाएंगे कि आओ खाओ, मेकअप लगाओ, क्रीमें लगाओ और चेहरे में चार बार ग्लास में आते जाते चार बार चेहरा देख लो और फिर मजे से निकल जाओ। ऐसे तो बिग बॉस ने पालना छोड़ दिया, नहीं पालते वो। जी हाँ, तो निकालने की तैयारी में है, तो बहुत जल्द बाहर होंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है जो उन्हें विदाई देने के लिए सेट पर गए थे, बेसिकली उनके कुछ चंद फैंस, क्योंकि चंद हैं यार तो चंद ही बोलेंगे, चंद फैंस जो हैं ट्रेंड चला रहे हैं ताकि जो है मेकर्स डर जाएं और उमर रियाज को बाहर ना निकालें। तो भाई पड़ेगी, निकालेंगे, मतलब हो जाता है यार, होती है गड़बड़, तो निकालेंगे, तो जल्द निकालने की तैयारी में है। इस पर आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा कि मैंने कहा है, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देती हूँ, नहीं देती हूँ तो देखती ज़रूर हूँ। आप लोगों का एप्रिशिएशन ज़रूरी है, इसी तरह से प्यार और एप्रिशिएशन आप दिखाते रहेंगे तो हम भी बजाते रहेंगे। फिर क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।